अब भगवान ने कही, अच्छा मैया तो देख, तू अभी दूध चूल्हे पे चढ़ाकर आई है, उफनने वाला है। और जो ही माता जी ने ये दृश्य देखा, कन्हैया को एक तरफ पटक के दूध उतारने भागी। और जैसे ही भागी ना महाराज, जैसे ही भागी तो भगवान को क्रोध आ गया कि मैया ने अभी अभी कहा था कि मुझे दूध नहीं पूत प्यारा है, पर दूध पूत कहां, उन्हें तो दूध प्यारा था, मुझे छोड़कर चली गई। अब तो बड़ा क्रोध आया और भगवान ने पत्थर उठाए और आंगन में यशोदा मैया के सास के जमाने के मटके रखे थे, और भगवान ने चटा चट एक एक करके फोड़ दिया। और जैसे ही फोड़े ना, और जैसे ही फोड़ा तो मैया ने ऐसी आवाज सुनी, दौड़ते दौड़ते आई और कहने लगी, क्यों रे काना, तूने ऐसा काम किया, मैं दारी के इते आ तो आज बताऊं मैं। और महाराज पीछे पीछे संटी लेके दौड़ने लगी, और पीछे पीछे मैया, आगे आगे कन्हैया। और ऐसे जब देखा ना तो परीक्षित जी से सुखदेव मुनि कहते हैं कि परीक्षित जी कर लो दर्शन, ऐसा दिव्य तीनों ब्रह्मांड का नायक सम्राट, पूरे विश्व का राजा, ऐसा चटक मटक सा ठाकुर कहीं नजर आएगा आपको, ऐसा नजर आएगा कहीं आपको, ऐसा चटक मटक सा ठाकुर तीनों लोकों का, तीनों लोकों में ऐसा दिव्य कहीं पर भी आपको ठाकुर नजर नहीं आएगा। परीक्षित जी ऐसा दर्शन कर रहे हैं, आप लोग और हम लोग भी अपने मन में भजन के भाव से भगवान का दिव्य दर्शन करें। राजा परीक्षित दर्शन करने लगे, कहने लगे कि प्रभु यही भगवान साक्षात माँ का सुख भोगने, भक्तों के उद्धार करने और जीव का कल्याण करने के लिए आए हैं। मैया उनका पीछा कर रही थी और संटी डंडी फेंक दी और बोले, कन्हैया रुक जा। बोले, नहीं मैया तू मुझे मारेगी। बोले, ना मारूंगी दारी के, आ जाओ। नहीं मैया तू मारेगी, ना मारूंगी दारी के, तेरी आरती उतारूंगी, आ इते आ। ऐसा कहने लगी, अच्छा मैया पक्का नहीं मारेगी, लाला मैं ना मारूंगी, तू आ जा। और प्रभु पास में गए, संटी उठाई मारने के लिए, परंतु जो ही भगवान की करुणा में छवि देखी, नेत्र सजल देखे कि इतने में तो मैया क्रोध शांत हो गया, परंतु कहने लगी, दारी के आज दंड नहीं दूंगी तो आगे भी ऐसे ही कर्म करे वो। आज हम अपनी संतान को अगर गलत कर्म करने से नहीं रोकते ना तो वो आगे बढ़ जाते हैं। मैया ने मट्टी खाते क्यों रोका भगवान को, ताकि कन्हैया आगे चल के पुड़िया खाना चालू ना कर दे। माँ बाप अपनी संतान पे प्रतिबंध इसलिए नहीं लगाते कि उनके कार्य करने से उनको समस्या है, इसलिए लगाते हैं ताकि भविष्य में कोई गलत कार्य ना कर सके। मैया ने कहा, आजा दारी के, तेरी आरती उतारूंगी। और भगवान चले गए और मैया ने पकड़ लिया, और जिस उखल पे खड़े होके भगवान मटके फोड़े थे ना, उसी उखल से बांधने लगे। पर जैसे जैसे भगवान को बांधती हैं, दो उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती है। ये छोटी क्यों पड़ रही है रस्सी, यही वो रस्सी तो दो उंगल छोटी पड़ रही है ना, ये परमात्मा की भक्ति में रुकावट है। भगवान सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि भक्त और भगवान के मिलन में जो दूरी है वो केवल दो उंगल रस्सी की है।
तो इसलिए जब भक्त कठोर तपस्या भक्ति कर ले और परमात्मा की कृपा हो जाए तभी भगवान की प्राप्ति होती है, अन्यथा होने वाली नहीं है। इसलिए माताजी के इतने प्रयासों को देखकर भगवान कहने लगे अब मैया को परेशान करना उचित नहीं है और मैया को हाथों से बंध गए। अब जैसे ही बंधे तो महाराज क्या हुआ, जैसे ही बंधे ना तो उनके आंगन में दो अर्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे, यमल अर्जुन, ये दोनों पूर्व जन्म के कौन थे, ये पूर्व जन्म के मणिकुबर और नाम के दो नलकुबर और मणिकुबर नाम के कुबेर के दो पुत्र थे। जब भगवान इनके बीच से निकलने का प्रयास करने लगे तो उखल अड़ गया। भगवान ने बहुत प्रयास किया निकलने का परंतु नहीं निकले। भगवान ने एक झटका मारा और धड़ाम दी से नीचे गिर गए दोनों पे। दोनों दिव्य महापुरुष प्रकट हुए, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, बोले हम दोनों बहुत वर्षों से आपकी प्रतीक्षा में थे भगवान। बोले कौन हो तुम? बोले नलकुबर और मणिग्रीव, हम कुबेर के दो संतान हैं। बोले ऐसी योनि में प्राप्त क्यों हो गए आप? तो बोले एक समय महाराज हम दोनों भाई एक सरोवर में नग्न होकर नहा रहे थे, वस्त्रों का त्याग करके, और जब नहा रहे थे नारद जी निकले, हमने उनको प्रणाम नहीं किया, उनका सत्कार नहीं किया और जाकर नग्न अवस्था में उनके सामने खड़े हो गए। नारद जी ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुम दोनों जड़ हो, जाओ जड़ वृक्ष बन जाओ। तब से महाराज हम यहाँ खड़े हैं। परंतु नारद जी के दर्शन हुए, संत का दर्शन हुआ, उसके प्रताप से उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। जब हमने क्षमा याचना मांगी, कहा भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे और एकदम आशीर्वाद देके तुम्हारा कल्याण करेंगे। और महाराज इसी प्रकार से नलकुबर और मणिग्रीव ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई।